सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम सच्चिदानंद रूपाय ब्रह्म बोध प्रकाशिने ज्ञानामृत वाचम ब्रह्म प्रकाश नमस्तुते। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु महाराज को अपने दिल के अंदर अपने हृदय के अंदर विराजमान करते हुए उनको प्रणाम करते हुए और उनकी वाणी को माध्यम बनाते हुए गीता के दूसरे अध्याय का 50वां श्लोक आज ले रहे हैं। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृते दुष्कृते तस्माद्धोगाय युज्यस्व योग कर्म सुकौशलम्। हम पर कभी प्रेम में डूब जाते हैं तो वो शब्द जो है कभी लड़खड़ा जाता है, नहीं तो क्योंकि हम कोई प्रोफेसर तो है नहीं, वो शब्द बोलते बोलते भगवान के प्रेम में इतना ज्यादा प्रवणता हो जाती है। तो ये इस प्रकार से है संधि विक्षेप करके कि बुद्धि युक्त जहाति इह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। आप बहुत बार कहते हो ना योग कर्म सुकौशलम, आज ये आया है। तो ये समत्व बुद्धि युक्त पुरुष की भगवान प्रशंसा करके अर्जुन को कर्म योग के अनुष्ठान यानी कर्म योग में लगाने के बाद कहते हैं, क्योंकि अर्जुन भी तर्क लाता था ना कि यार अभी जब जब ध्यान के माध्यम से ही ज्ञान योग से ही काम हो सकता है तो मुझे काहे को महाभारत युद्ध करवा रहे हो। तो भगवान उसको कर्मयोग के अनुष्ठान में लगाना के लिए कह रहे हैं। और समभाव का जो फल है वो कैसे अनामय पद को प्राप्त कर सकते हैं इससे अपन ये बता रहे हैं। तो बुद्धि युक्त का मतलब होता है सम बुद्धि युक्त, और जहाति का मतलब होता है त्याग देना यानी उससे मुक्त हो जाना, उससे अलग हो जाना, और यही का मतलब होता है इस लोक में, और उभय का मतलब होता है दोनों को, और सुकृत का मतलब होता है अच्छे कर्म यानी पुण्य, दुष्कृत का मतलब होता है बुरे कर्म यानी पाप। तस्मात यानी इससे, योगाय मतलब समत्व रूप योग में, योगाय है ना, ब्राह्मणाय ब्राह्मणों में, ऐसा मतलब ये संधि संस्कृत के जो शब्द हैं वो बहुत वैज्ञानिक शब्द हैं। और युज्यस्व यानी लग जा जुट जा, योग यानी यह जो समत्व रूप योग है शॉर्ट में बताया, अब लंबा चौड़ा शब्द तो प्रयोग नहीं कर सकते थे। योग जिस योग की वो चर्चा करते हुए चले आ रहे हैं पिछले श्लोकों में, कर्म सु कौशलम, कर्म सु यानी कर्मों में है ना, पुष्पे सु चंपा पुष्पों में चंपा, सुना है ना श्लोक, नगरी सु लंका नगरियों में लंका है ना, इस तरह से कर्मेसु कर्मसु मतलब कर्मों में, कौशलम यानी कुशलता है। और कुशलता का गीता में कहीं भी प्रयोग हुआ है तो वो इसलिए नहीं, ऐसा प्रयोग नहीं हुआ कि बहुत अच्छे तुम जो है गीत गाते हो या भोजन बनाते हो वो कुशलता नहीं। कुशलता सबसे बढ़िया वो है कि आप इस संसार के कर्म बंधन से कैसे छूट सकते हैं। अब यहां से
हम जो है गीता के इस श्लोक का गूढ़ अर्थ बताएंगे। अभी तक हमने इसका आपको शब्द अर्थ बताया, तो गूढ़ अर्थ क्या है इसका कि माया में फंसाए हुए जो लोग हैं और उनकी जो बुद्धि हुए, वो जो बुद्धि है वो किसी काम की बुद्धि नहीं है। जिस बुद्धि से हम परमात्मा को ना जान सके, या जो बुद्धि हमें परमात्मा की ओर कम से कम थोड़ा सा हेल्प ना करे, मदद ना करे, वो बुद्धि किसी काम की नहीं। किसी की पत्नी रहती है और कोई आदमी परमात्मा की साधना करता है 3 बजे से उठ के, या 3:30 बजे से उठ के ध्यान इत्यादि करता है, और यदि उसकी पत्नी ये ठंड के दिन गर्म पानी भर के रख दे, टॉवेल रख दे, भाई नहा लो फिर बैठो, और अगर कोई किसी की पत्नी ऐसी हो कि वो उठाए और सुबह सुबह उठ के उसको गालियां बकने लग जाए या उसको कोई दिमाग खराब करने लग जाए, तो वो किसी काम की नहीं। इसी तरह से वो बुद्धि भी किसी काम की नहीं जो परमात्मा के ओर जाने में, साधक के मार्ग में रोड़ा बन जाए। तो इसमें यहां जो पहला शब्द है बुद्धि युक्तो, तो कैसी बुद्धि से युक्त होना चाहिए? वह बुद्धि जो जिज्ञासु के काम की है वो कैसी है? जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए जिज्ञासु की मदद करे। और एक बात मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं, परमात्मा भले ही बुद्धि का विषय नहीं है, भले ही मन बुद्धि चित्त अहंकार के पार का विषय है, लेकिन ये बात पक्की समझना कि बुद्धिमान आदमी ही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, मूढ़ नहीं कर सकता। क्योंकि मूढ़ तो सदगुरु का उपदेश ही नहीं समझ सकेगा, सदगुरु का इशारा ही नहीं समझ सकेगा, सदगुरु की विधि ही नहीं सीख पाएगा। इसलिए जो मूढ़ है, पागल है, सनकी है, या उच्छृंखल वृत्ति का व्यक्ति है, जिसका कि जिसका जो जरा भी ठहराव नहीं होता है, जो गुरु की जेब भी काटने के चक्कर में घूमता है, क्या गुरु के पास भी कई लोग ऐसे आते हैं? हमारे पास भी आते हैं, हमारे पास भी आते हैं, अब वो बात बताएंगे नहीं, कई तरह के लोग आते हैं। तो जो लोग जिनकी जो बुद्धि है उसको इतना भी नहीं समझ आती है, जैसे कहते हैं ना कि जिसमें इतनी समझ भी ना आई और मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, नाम सतगुरु का दिल से ना भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है और यूं गवाने के काबिल नहीं है। तो जो ज्ञान प्राप्त करने वाला जिज्ञासु है उसके लिए थोड़ा बुद्धिमान होना भी आवश्यक है, एकदम अत्यंत बुद्धिमान ना भी हो तो भी चलेगा, थोड़ा तो होना ही चाहिए। अतः भगवान ने ये जो शब्द प्रयोग किया है बुद्धि युक्त, इसका यही संदेश कैसा है कि कोई साधक, तुम संसारी लोग हो तो मैं संसारी बात करूंगा, कोई साधक जिस प्रकार से अब संसार में सफल होने के लिए और कितनी मेहनत करता है, IPS, IAS, ITI और जो है सामाजिक स्तर पर कोई पद प्राप्त करने के लिए, राजनीतिक स्तर पर मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति इत्यादि बनने के लिए, है ना, जो संसार की उपलब्धियों के लिए इतनी बुद्धि तुम लगाते हो, इतनी ताकत तुम लगाते हो, 12-12 घंटे तुम पढ़ते हो, जाने क्या क्या तुम करते हो, जाने कितना जहर तुम पीते हो। कोई आदमी अगर MP MLA बनता है तो कार्यकर्ताओं की कितनी लात जूते खा के आगे बढ़ता है, कितना नुस्ता खुस्ता है, कितना दर्द सहन करता है, लेकिन वो अपने लक्ष्य पे लगता है। कोई व्यक्ति IAS IPS बनना चाहता है तो बचपन से कितनी मेहनत करता है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली बैलेंस करता है, पढ़ाई करता है, सब कुछ करता है। जब तुम ये संसार के ऐसे तुच्छ लक्ष्यों के लिए कि जो लक्ष्य जो है तुम्हारी मौत के एक रैपट पड़ते ही खत्म हो जाएंगे, उनके लिए तुम इतनी मेहनत करते हो, लेकिन तुम परम तत्व को जानने के लिए मेहनत नहीं
करते हो। यहाँ यह भी कह रहे हैं भगवान, इसके अंदर ये भी संदेश है कि तुम परम तत्व को जानने के लिए इतना तो प्रयास भले जितना तुम आईएएस के लिए करते हो उससे कम से कम 25-50% तो करो, है ना। तुम तो ये सोचते हो गुरु महाराज चबा के तुम्हारे मुंह में डाल रहे, कोई फटाफट कोई जैसे कोई आदमी होता है ना कहता है यार कहीं गड़ा धन मिल जाए, ऐसे गुरु महाराज कान में कुछ कह दें तो बस कान में, अगर तुम ऐसे करते हो तो तुमको ढोंगी गुरु ही मिलेंगे। वो कहते हैं काना माती कुर्र, तू मेरा शिष्य मैं तेरा गुर्र, तुल्ला तेरा धन इधर धर, तू जा चूल्हे में मर, ऐसे मिलेंगे तुमको परमात्मा के ब्रह्म वेत्ता संत कैसे मिलेंगे। तो आप सांसारिक पदों के लिए और जितनी भी आप धन यश समृद्धि और इनको साधन प्राप्त करने के लिए आप जितना भी अगर कोशिश कर लो, अगर आपने अपने अंदर के परमात्मा को नहीं जाना तो ये आपका अंधापन जाएगा नहीं, और बल्कि इसको प्राप्त करने के बाद और मृत्यु के बाद नीच योनियों में जाने की फुल गारंटी हम लिख के दे देते हैं, फुल गारंटी है। अगर तुमने परमात्मा को नहीं पाया और तुम किसी देश के राष्ट्रपति बन गए या कुछ भी बन गए, लग तुमको नीच योनि में मरने के बाद जाने की फुल गारंटी है। हमने बड़े बड़े अधिकारियों को रिटायरमेंट के बाद चप्पल चटकाते हुए देखा है और उनकी मानसिक अवस्था देखी है, पागल हो जाते हैं वो, क्योंकि जीवन भर वो बड़े ठाठ बाट से रहते हैं और रिटायर हो जाते हैं तो उनको कोई पूछता नहीं है, उनको कोई पावर नहीं रहता, तो अंदर से कोई कोई ऐसे जो किसी गुरु के साथ ना जुड़े हों तो ऐसे जो लोग हैं वो मेंटल डिसीज के शिकार हो जाते हैं। इसलिए अगर तुम्हें सफल जीवन जीना है तो तुम्हें ये संसार की दौड़ के साथ साथ परमात्मा की ओर जाने का भी बहुत भरपूर प्रयास तुम्हें करना चाहिए। अब आप कहते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं भैया कि डॉक्टर इंजीनियर नहीं हो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि अच्छे एमएलए एमपी नहीं हो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि अच्छे टेक्निकल लोग नहीं हो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि अच्छे व्यापारी नहीं हो, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर आपने ये सब प्राप्त कर लिया और ज्ञान प्राप्त नहीं किया, और अगर आपने इसके साथ साथ ज्ञान भी प्राप्त कर लिया तो आप देखना कि आपको अच्छी दिशा, अच्छी शांति, अच्छी समृद्धि आप स्वयं भी ले सकेंगे और आप जहां रहते हो उस समाज को भी दे सकेंगे। ज्ञान का ये लाभ, इसलिए सभी को इस बुद्धि योग से युक्त होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की गीता कोई ऐसी नहीं कि दो चार लोगों के लिए ही कही गई है, समस्त मानव समुदाय के लिए कही गई है। यहां मैं एक बात का उल्लेख कर लूं आपसे, ये किसी धर्म संप्रदाय से बंधी हुई विद्या नहीं है। हाँ यह बात सही है कि ये इस परम पावन धरती से, इस भारतवर्ष से जो विश्व का गुरु है, जहां भगवान ने अवतार ली है, और इस परम पूज्य हिंदू धर्म से निकला हुआ केंद्रीय भाव यानी एस्ट्रेक्ट है, तुम सम्मान करो या ना करो ये सत्य है। जैसे सीएफएल किसी ने बनाई है, फैन पंखा रेफ्रिजरेटर कूलर किसी ने बनाया है, तो आप कैसे फटाफट उसको अंगीकृत कर लेते हो, झट से कूलर घर में लगा लेते हो, सीएफएल लगा लेते हो। लेकिन जब आत्मज्ञान की बात करते हैं तो तुम नाक भौं सुकोड़ने लग जाते हो, करो ये तो हमारे धर्म में नहीं है। अरे बेवकूफ हो, ये धर्म की सीमा के ऊपर की चीज है। जैसे सांस, तुम्हारे धर्म में सांस लेना लिखा है, सभी के धर्म में, किसी के अंदर ये नहीं लिखा धर्म में कि सांस लेना भैया, फिर भी तो ले रहे हो। इसी तरह से ये सारी मनुष्य जाति के लिए है और इसको किसी धर्म संप्रदाय से बांधने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो इसको धर्म संप्रदाय से बांध कर इससे घृणा करेगा वो समझो कि वो व्यक्ति उल्लू है, क्योंकि वो आदमी जैसे उल्लू सूरज के प्रकाश से घृणा करते हैं, ऐसे जो व्यक्ति गीता से घृणा करता है या ब्रह्म ज्ञान से घृणा करता है वो नंबर एक का उल्लू है वो, क्योंकि वो जानबूझ के अंधेरे में जीना चाहता है ना।
अगर देखो, अब अगर आप ये कहो कि अगर ज्ञान प्राप्त कर लेंगे और ज्ञान प्राप्त करने के बाद हम बाबा जी हो जाएंगे, जंगल चले जाएंगे, लंगोटी लगा लेंगे, तो ये भी बहुत बड़ी भ्रांति है आप लोगों की। क्यों? कि कृष्ण लंगोटी लगा के जंगल भग गए थे क्या? राम लंगोटी लगा के जंगल भग गए थे, रावण से नहीं लड़े थे? कृष्ण ने कौरवों को नाश नहीं किया? यहाँ तक यदुवंश की आदत आई, लोगों को अपने अपने वंश का भी नाश करवा दिया। क्यों? कि धरती का बोझ हटाने के लिए। तो ज्ञानी ज्ञानी ऐसे नहीं होते हैं कि कर्तव्य पथ से हट जाए। अगर ऐसे ऐसे ज्ञानी नहीं होते हैं कि आपको मतलब कोई मर रहा हो और कोई अत्याचार किसी पे कर रहा हो तो ज्ञानी खड़े खड़े देखेंगे? बाली को भगवान ने मारा और भगवान ने क्या कहा कि पुत्र वधु भगनी सुत नारी और सुनुसती सठ ये तारण सुनुसठ ये पुत्र वधु भगनी सुत नारी सुनुसठ ये कन्या समचारी इन्हीं कुदृष्टि बिलो के ही जेही और ताहे बधे कछु पाप न होई। भगवान राम ने बाली को मारा और सुग्रीव की रक्षा की, क्यों? बाली आतताई हो चुका था। इसलिए ज्ञानी ज्ञानी अगर किसी को डांट रहा हो या मार रहा हो या भगवान श्री कृष्ण के युद्ध नहीं लड़े, है ना, तो ये हिंदू धर्म में या इस देश के लोग ये समझ जाएं अच्छी तरह से कि ज्ञान हो जाना यानी कायरता नहीं है। ज्ञानी कायर नहीं होते, ज्ञानी परमवीर होते हैं। महावीर हनुमान, महावीर बिनबहु हनुमाना, राम जासु यश आप बखाना, क्या भगवान हनुमान जी ज्ञानी नहीं थे? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानी ज्ञानियों में जो फर्स्ट क्लास ज्ञानी होते हैं उनमें भगवान हनुमान जी की गिनती गिनती होती है। तो इसी तरह से यह जो परमात्मा का जो बोध है, यह जो बुद्धि योग है, ये बुद्धि योग आपको ना तो अकर्मण्य होना सिखाता, ना आपको कायर होना सिखाता, और ना आपको वन में भागकर समाज की जिम्मेदारियों को छोड़ के भागना सिखाता, बल्कि ये तो ये सिखाता है कि आप और अच्छी तरह कुशलता पूर्वक अपने जहां आसपास रहते हो वहां आनंद शांति प्रेम और अच्छे सद्भाव का संचार कर सको। ये हमारा आंतरिक युद्ध है ना, ये किसी धर्म में नहीं मिलेगा। सारे धर्म बाहर की बात सिखाते हैं, यह धर्म जो है अंदर की बात सिखाता है। और यही कारण है भारत ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया। तो अब आगे की बात हम कहते हैं कि जो इराक में जो हो रहा है आजकल, जो इराक में जो हो रहा है आजकल, यदि ज्ञानी अधिक होते इस धरती पर तो ये इराक में हो रहा थे हो नहीं सकता था। अगर ज्ञानियों की संख्या होती इस धरती पर ज्यादा और ज्यादा राष्ट्रनायक ज्ञानी होते इस पृथ्वी पर, तो जो इराक में हो रहा है, चित्र देखे होंगे आपने, मैं वर्णन नहीं करना चाहता हूं, वो हो नहीं सकता था। इसलिए इस ज्ञान की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ये परमाणु बम बनाने की आवश्यकता कम है, लेकिन इस ज्ञान को का प्रसार की बहुत आवश्यकता है। ये ज्ञान मनुष्य जाति के लिए आवश्यक है और अनिवार्य है। ये संकेत इस गीता के श्लोक में दिया है। इसमें आप अपने धर्मों का अहंकार मत लाओ, ये शांति का मार्ग है, आनंद का मार्ग है, यहाँ सभी का हक है। हक हक मतलब सत्य को हक कहते हैं, सत्य को हक कहते हैं अरबी भाषा में, फारसी भाषा में। जिस मिथक में ये जगत के लोग जी रहे हैं, झूठे झूठे मिथकों में, झूठे झूठी कल्पनाओं में, उसको इन्होंने धर्म मान लिया है। उन्होंने उसके उनके जीवन में जगत के लोगों में अशांति और मात्र झूठा आश्वासन दिया है। इसमें समझ लो मैं क्या कहना चाहता। अतः ये समत्व बुद्धि योग जो है इसका आश्रय लेना चाहिए सभी को। और भी एक बात बताएं कि अपने अंदर एक समता का स्थान है, अपने अंदर एक ऐसी जगह है जहां सारे संसार की अशांति असर नहीं करती, पहुंचती नहीं है। वह अवस्था तुम्हारे जन्म के साथ आती है और मृत्यु के साथ तुम्हारे साथ जाती है। वो अवस्था अजर अमर अविनाशी है, वो जन्म नहीं लेती और मरती नहीं है। वो अवस्था है, वहां उसके जरा सा कोई टच हो जाए तो वहां शांति का सागर भरा है।
देखो मकरध्वज राजा ने अपने बच्चे को आरे से चीर दिया, लेकिन उसकी आंख में आंसू नहीं आया। देखो प्रहलाद को आग में फेंक दिया, पानी में फेंक दिया, हिरण्यकश्यप ने क्या क्या अत्याचार किए, वो विचलित नहीं हुआ। उस अवस्था में जीने वाला व्यक्ति कितने बड़े संकट आ जाए विचलित नहीं होता है। एक छोटा सा उदाहरण मैं दूंगा तो आपको समझ में बात आ जाएगी। एक बहुत बड़ा जंगल है, मान लीजिए सतपुड़ा का बड़ा जंगल है, वहां आग लग गई। नहीं लगना चाहिए ऐसा, मैं जंगल और वृक्षों का बहुत प्रेमी हूं। सतपुड़ा के जंगल में आग लग गई, वहां हिरण खरगोश भालू चीते लोमड़ी जितने छोटे मोटे सब जानवर हैं, वो सब जानवर उस आग में घिर के जल के मर रहे हैं। लेकिन एकमात्र जानवर हाथी है, उसको पता है जैसे ही जंगल में आग लगती है वो अपने सारे परिवार को लेके और नर्मदा नदी के चौड़े पाट के बीच में जाकर बैठ जाता है, कोई भी नदी के, अमेजन कह लो नर्मदा कह लो, विदेश की बात करो अमेजन कह लो, तो वो बैठ जाता है। जब जंगल की आग शांत हो जाती है तो वहां से वो निकल के फिर दोबारा एज इट इज हो जाता है। ऐसे ही इस अवस्था समत्व अवस्था को जो जानता है, वो संसार में आने जाने वाले जो संकटों की आग लगती है, उस आग लगने के समय वो अपनी समत्व अवस्था में बैठ जाता है और ये बवंडर सब निकल जाते हैं। बताओ कितनी आवश्यकता है। यदि इसको जान लिया, आपको बाहर के अवलंबन किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, हाथ जोड़ के चिल्लाने की जरूरत नहीं है वो दो वो दो, अरे आपके अंदर बैठे हैं भगवान, ये बताती है गीता, है ना। और जहाते का मतलब क्या है, अब यहां तक तो अर्थ हो गया, यहां तो अर्थ हो गया, लेकिन जहाते का क्या अर्थ है, अगला शब्द है जहाते। अगर इस अवस्था में तुमने जीना सीख लिया तो इस जगत की कोई भी समस्या, कोई भी क्लेश, कोई भी द्वंद, कोई सुख दुख, माया का कोई लपेटा चपेटा, उसको तुमको त्यागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो तो ऐसा स्थिति हो जाएगी कि तुम देखोगे कि उस समता के आते ही इन सारी चीजों से तुम मुक्त हो गए, फ्रीडम मिल गई तुम्हें, मुक्त हो गए तुम। ये अगर समता तुम्हारे अंदर आ गई तो कोई दुख तुम्हें दुखी नहीं कर पाएगा, कोई सुख तुम्हें सुखी नहीं कर पाएगा। एक फुटबॉल में गोल लात मार दी, गोल हो गया, ओ हो नाच रहे कूद रहे, और जिस जो हार गया उनमें और जो जीत गया उनमें खूना खच्चर हो गया। अरे मूढ़ो बेवकूफ हो, तुम जब खेल को खेल की तरह नहीं ले सकते तो गंभीर चीज को क्या खेल की तरह लोगे, हैं? देखते हो ना आजकल। तो इस प्रकार से यह जो अगर तुमने इसको प्राप्त कर लिया तो जहाते का मतलब है आपको त्यागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद ब खुद त्याग हो जाएगा। और ये ज्ञान बड़ा प्रैक्टिकल है, इट इज अप्लाइड साइंस, ये थ्योरी नहीं, इट इज नॉट थ्योरी, इट इज अप्लाइड साइंस, ये अप्लाइड साइंस है, ये प्रयोगात्मक विज्ञान है, ये तुम्हारे जीवन के काम की चीज है। ये कोई ऐसे नहीं है कि अगर पंडित पुजारी कोई हम कोई प्रवचनकार बोल रहा है इधर से सुन रहे इधर निकल रहे भैया सुन लो बड़ा पुण्य मिल जाएगा, नहीं, ये तो तुम्हारे काम की चीज है, ये टेक्नोलॉजी है, इट इज द स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी, हाउ टू लिव प्लीजेंट, ये कैसे आनंद पूर्वक और कैसे फेस किया जाए लाइफ की प्रॉब्लम्स का और जीव पृथ्वी को कैसे अच्छा बनाया जाए उसका ये है। तो ये जो है बड़ा प्रैक्टिकल साइंस है और प्रैक्टिकल चीज है। इस समता के आते ही इतनी बढ़िया क्वालिटीज डेवलप होगी आपके अंदर कि आप पहले जैसे निष्ठुर नहीं रहेंगे। इस ज्ञान को आप पाने के बाद कोई निष्ठुर नहीं रहता, इसको पाने के बाद आप स्वार्थी नहीं रहेंगे, ये एकांत प्रिय नहीं रहेंगे, ये नहीं कि भाड़ में जाए दुनियादारी हम तो हिमालय में जाके गुफा में बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं है, तो मूढ़ों की फैलाई हुई बातें हैं। इसको प्राप्त करने के बाद आप सेवा भावी बनेंगे, सर्विस करेंगे आप लोगों की, और आप अधिक जन कल्याणकारी बनेंगे, आपके दिमाग में अच्छे अच्छे फर्टाइल आइडियाज आएंगे कि दुनिया को कैसे ठीक किया जाए। तब ऐसा ना होगा कि तुम दुष्टों का दमन करने में हिचकिचाओगे। एक ऑपरेशन करता है सर्जन,
वो तो नहीं कहता कि मैं कैंसर की गठान को नहीं काटूंगा, ओ ये तो पाप हो जाएगा। वो फट से कैंसर की गठान को काटता है और अनावश्यक जो है एक भी टिश्यू नहीं काटता वो, और जो काटना है वो काट के अलग करता है और जो ठीक है उसको वो ठीक करता है। ऐसे भगवान कृष्ण ने, भगवान राम ने, भगवान जो है नरसिंह ने, और जितने भी भगवान के अवतार हुए हैं और जितने अंशावतार हुए हैं भगवान के, और आप सब लोग भी भगवान का अंशावतार ही हो, ऐसी बात नहीं कि नहीं हो, आप भगवान का ही रूप हो। तो अब जब ज्ञानी हो जाएगा, ज्ञानी भगवान का अंशावतार हो जाता है, जब आप ज्ञानी हो जाएंगे तब आप क्या करेंगे कि दुष्टों का दमन करेंगे और साधुओं का परित्राण यानी उनको बचाएंगे, उनको अच्छा परिवेश देंगे। डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा जो वैज्ञानिक हुए देश के, तो उनके लिए देश ने परिवेश दिया ना रिसर्च करने का है। तो क्या ज्ञानी इतना भी कम वैज्ञानिक है क्या? एक भौतिक चीज बनाने वाला आदमी इतना कीमती है। तो ज्ञानी पूरे संसार में शांति और प्रेम और आनंद को कैसे स्थापित किया जाए, इसकी रिसर्च करने वाला वैज्ञानिकों का भी वैज्ञानिक है, तो उसका भी आप फिर संरक्षण करेंगे, फिर आप संरक्षण करेंगे। हमको ऐसे राजनेता चाहिए, हमें ऐसे ऐसे राष्ट्राध्यक्ष चाहिए, हमें ऐसे लोग चाहिए जो ज्ञानी हों और उस बात को समझ सकें कि समाज को विकृति की ओर ले जाने वाले लोगों को, और जो अगर नहीं सुधर सकते तो उनको इरेडिकेशन करना पड़ता है, और जो समाज को ठीक से दिशा में ले जाएंगे उनको प्रिजर्वेशन, उनको मतलब जो है ना कंजर्वेशन करना पड़ता है, उनकी रक्षा करना पड़ती है। तो इस प्रकार से ऐसे गीता में आया है, परित्राणाय साधुना बिना साय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगे योगे। तो यहां पर भी इसका इशारा है कि अगर आपने समत्व बुद्धि योग में खड़े हो गए तो क्या होगा कि आप जो है ना इतने ज्यादा जन कल्याणकारी हो जाएंगे, इतने ज्यादा जन कल्याणकारी हो जाएंगे। तब ऐसा नहीं होगा कि इराक में हो रहा है नरसंहार, हजारों लोग मार रहे हैं और यूएनओ चुपचाप बैठा है और लोग तमाशा देख रहे हैं, या किसी जिहाद के नाम पर लोग मानव बम बन के लोगों को, निर्दोष लोगों को मार रहे हैं और लोग तमाशा देख रहे हैं, तब ऐसा नहीं होगा। तब कृष्ण ने जरासंध का वध किया था। यहां पर मैं किसी धर्म संप्रदाय की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि दोनों धर्म संप्रदाय एक ही उसके हैं, यहां हो कर रहे हैं वो। लेकिन अगर ज्ञानी अधिक संख्या में होंगे, अगर राष्ट्राध्यक्ष ज्ञानी होंगे, तो आप देख लेना इस धरती पर कहीं भी गड़बड़ होगी तो सब मिलकर वहां जाके दबा देंगे। अभी देश, अभी ये विश्व जो है ज्ञानियों से खाली है। यहां पर ज्ञानियों की कोई आवाज नहीं सुनता, ढोंगियों की आवाज सुनी जाती है। ये ढोंगियों को पूजने वाला विश्व है। तो ये जो है सुंदर और सुखद जो वातावरण यदि बनाना है ना, जैसे कृष्ण के समान है ना, कृष्ण के समान, राम के समान, ये जो माया को खेल समझकर कुशलता में खेलने वाले अगर लोग अधिक ज्ञानी होंगे, अधिक ध्यानी होंगे, जितने अधिक समत्व बुद्धिमान होंगे, चलो ज्ञानी न हो, चलो ध्यानी न हो, कम से कम किसी सदगुरु से प्रेम करने वाले हो जाओ, उसकी राय में तो चलने वाले हो जाओ, है ना, सदगुरु की बात का सम्मान करने वाले हो जाओ, तो भी धीरे धीरे तुम्हारा मार्ग खुल सकता है। तो जितने अधिक समत्व बुद्धि वाले लोग जो होंगे, समता में जीने वाले होंगे, तो ये संसार उतना सुंदर, सुखद और आनंदमय होगा। आज मुझे लगा कि कुछ बोलना चाहिए इस विषय में। और इस श्लोक में जो लिखा है इह, मतलब इस श्लोक में, इह शब्द का मतलब इस श्लोक में, यानी माया और ब्रह्म का एक संतुलन बनाना तुम्हारे जीवन में स्थापित हो जाएगा। अभी तक तुम माया ही माया में हो, ब्रह्म में नहीं हो, लेकिन जब अगर तुम इस ओर चले तो यहां और वहां दोनों के बीच में एक तालमेल, एक संतुलन बन जाएगा। जैसे बिजली सुधारने वाले को कभी देखा होगा ना, लाइनमैन को देखा होगा ना, वो हाथ में रबर के दस्ताने पहनता है और बिजली के तार उससे जोड़ता है, उसको करंट लगता है क्या? ऐसे तुम ज्ञान का दस्ताना पहनो और फिर माया में खेलो, मजा लेके माया तुम्हारा आज तुम पे असर कर जाए, तो ज्ञान का दस्ताना पहनो और फिर माया में खेलो,
इस संसार का संचालन करो, पत्नी के साथ बैठो, बच्चों के साथ खेलो, नौकरियां करो, उद्योग चलाओ, धंधे चलाओ, राजनीतिक दल चलाओ, लेकिन ज्ञान होने के बाद अगर तुम चलाओगे तो बहुत कुशलता से चलाओगे तो तुम्हारे पर वो कालिक का असर नहीं होगा। तो ये जो हम जो सिखाते हैं, ये भगवान जो बोल रहे हैं बस वही सिखाते हैं हम, कि अगर एक बात और कहनी थी, फायर फाइटर वाली बात भी कहनी थी कि फायर फाइटर भी तो ऐसा शूट पहनता है कि आग का असर नहीं होता। वो भी बोला मेरे पीछे अंदर आके वही मेरा भी बोलो, है ना। और इस माध्यम से फायर फाइटरों के लिए और जो बिजली का काम करने वाले लोग हैं उनको हम थैंक्स धन्यवाद देते हैं कि वास्तव में वो अच्छा खतरे का काम करके मनुष्य की सेवा करते हैं। तो ये जो पाप और पुण्य का जो प्रोजेक्शन है तुम्हारे अंदर माया के द्वारा पैदा किया हुआ, आरोपित किया हुआ है ना, ये पाप और पुण्य का जो प्रोजेक्शन है वो किंचित मात्र भी तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकता, जरा भी प्रभावित नहीं, टस से मस नहीं कर पाएगा, अंगद के पैर की तरह तुम्हें हिला नहीं पाएगा। जितना कितना सर्वोच्च लाभकारी हितकारी आनंददायी ज्ञानदाता है ना और मुक्तिदाता यह गीता का जो ज्ञान है यह है, और ये समत्व बुद्धि योग है, इसके करने से आपको बहुत बहुत उच्च कोटि का जीवन, वास्तव में सफल मनुष्य जीवन प्राप्त होगा। उसके लिए करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, केवल 70 मिनट आपको रोज ध्यान करना है। इसको हमने कहा है मेडिटेशन ऑफ अवेयरनेस, 70 मिनट का ध्यान करना है, और ये अभ्यास आपको बस कुछ महीने ही करना है। कुछ महीने बाद क्या होगा, आप कुछ महीने, जैसे आप साइकिल चलाते हो तो थोड़े दिन आप बड़े कॉन्शियसली साइकिल चलाए तो बाद में तो आप ऐसी साइकिल चलती है कि आप साइकिल चला ही नहीं रहे हो, मोटरसाइकिल चला ही नहीं रहे हो, आप ऑटोमेटिक आपकी चलती है, कहीं ब्रेक, आपको दिमाग में सोचना नहीं पड़ता कि ब्रेक लगाना है कि गियर बदलना, सब होता है। ऐसे अगर कुछ समय इसको आप ध्यान को कर लोगे तो कुछ महीनों में यह अवस्था आपको प्राप्त हो जाएगी, ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाएगी जब बुद्धि जो है आपकी परमात्मा में विलीन हो जाएगी और उस बुद्धि का स्थान प्रज्ञा ले लेगी। कई लोग कहते हैं गुरु महाराज ये आपने कैसे कह दिया कि भाई ये मैं यहां भोजन में नहीं करूंगा, हमारी प्रज्ञा बता देती है, हम बता देंगे भोजन चक्के के जो भोजन बनाने वाली भाई है बहन है वो भोजन बनाते समय उसकी वृत्ति बुद्धि कैसी रही होगी। तो इतनी सूक्ष्म आपकी बुद्धि हो जाएगी, वो प्रज्ञा बन जाएगी, और जब आप प्रज्ञावान हो जाएंगे, प्रज्ञा उदय हो जाएगी, तब सुकृत यानी पुण्य और दुष्कृत यानी पाप ये आपको प्रभावित तो करेंगे नहीं, बल्कि आपसे कोई दुष्कृत होगा ही नहीं, गलती से आपसे कुछ गलत भी हो गया तो वह अच्छा हो जाएगा, अच्छाई के लिए हो जाएगा, है ना। तो देखो भगवान ने क्या करा, राक्षसों को मारा, तो क्या वो हत्यारे थे, हा? उनका उनका राक्षसों को मारना पुण्य हो गया कि नहीं हो गया, हाँ। इसी तरह से तो आपका जो है दिन और रात, पूरा दिन और रात आप जो कुछ करेंगे वो आपको समाज के हित में ही आपसे होगा, समाज के विश्व के हित में आप कुछ कर नहीं पाएंगे। और मैं तो कहता हूं कि ये नोबेल प्राइज नहीं देते हैं ना डायनामाइट के आविष्कार और बम बनाने वालों को, अरे भाई ज्ञानियों को नोबेल प्राइज दो, बेवकूफो तुम्हारी ये नोबेल फाबल प्राइज बेकार है, तुम ये छोटी मोटी चीजों के लिए दे रहे हो। हम पूरी सृष्टि को आनंद और प्रेम और समता से भर सकते हैं, और पूरी पृथ्वी को हम इतना प्रेम से भर सकते हैं कि आदमी कहेगा आहा यार जन्म मिला तो बहुत अच्छा मिला, अभी तो आदमी कहता है अरे भगवान क्या जन्म दे दिया तुमने, मर जाए तो अच्छा रहे, ऐसा तुमने नरक बना रखा है इस जगत को। तो अगर जब आप इसको करेंगे तो आपके आप जब जैसे आप जो भी करेंगे वो समाज के हित में होगा, और आपका रात दिन जो है वो समता में, तटस्था में, साक्षी में, सहज स्वाभाविक ध्यान में बिल्कुल रूपांतरित हो जाएगा, और आपका जो हर एक काम है वो मेडिटेशन यानी ध्यान हो जाएगा, वर्क मेडिटेशन हो जाएगा, स्लीपिंग मेडिटेशन हो जाएगा, आप जो भी कुछ करेंगे सब ध्यान हो जाएगा, और सारे कर्मों में आपकी कुशलता की सुगंध आ जाएगी। विवेकानंद ने कहा
कि अज्ञानी भी एक काम अच्छी तरह कर सकता है, लेकिन ज्ञानी वो होता है जो हर काम अच्छी तरह, अगर उसको झाड़ू लगाने को बोल दो तो इतनी फर्स्ट क्लास झाड़ू लगाएगा कोई लगा नहीं सकता। तो आपका जो हर काम जो है वो कुशलता में बदल जाएगा। अब इस श्लोक के आखिरी शब्दों पे आ रहा हूं, और कुशलता के साथ साथ उसमें शांति की सौंधी सौंधी सुगंध आएगी, उसमें आनंद की मस्ती दिखेगी। ज्ञानी जब चलता है तो उसकी चाल देखो जैसे कोई नर्तकी चल रही हो, मस्ती की चाल रहती है उसकी, बोलता है तो देखो छोटे बच्चे जैसी आवाज रहती है उसकी। तो सारे कर्मों को करते हुए भी और आप लिपायमान नहीं होंगे, आपका साक्षी नहीं टूटेगा, आपका ध्यान भंग नहीं होगा, और आपकी जो समूची चेतना है, जो जागृत अवस्था जिसमें आप मुझे अभी सुन रहे हैं उसको जागृत कहते हैं, और स्वप्न अवस्था जब आप स्वप्न देख रहे हो, और सुषुप्ति अवस्था जब गहरी नींद में सो जाते हो, अचेतन में चले जाते हो, तो जागृत स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में ये आपका होश नहीं टूटेगा, आपका ज्ञान नहीं टूटेगा, आप उसमें ही खड़े रहोगे। और मृत्यु की क्या मजाल है कि फिर आपको मार दे, अरे मृत्यु की क्या ताकत है कि आपको मार दे वो, तो जन्म मरण से मुक्त हो जाओगे आप। इसको कहते हैं योग कर्म सुकौशलम, इसको कहते हैं इट मीन्स द योग कर्म सुकौशलम। ये वो वाला योग कर्म कौशलम नहीं है कि मयूर आसन लगा के दोनों हाथ से पूछ ऊंची करके खड़े हो गए, या सिर के बल खड़े हो गए, या एक हाथ पे खड़े हो गए, ये तो जानवर भी कर लेते हैं। योग कर्म सुकौशलम, परमात्मा में जुड़कर, परमात्मा में जाकर, परमात्मा के समान जीना, और सारी दुनिया को प्रेम और शांति में आप्लावित कर देना, इसको कहते हैं योग कर्म सुकौशलम। है प्रभु दीन बंधु दयालु दीनों के नाथ, सारे जगत के कण कण में, सारे जीवों में आप व्याप्त हो, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ इस पृथ्वी से अधिक लोग योग कर्म सुकौशलम की अवस्था को प्राप्त करें। गुरु महाराज की जय। शिव।